तो अभी कुछ डेज पहले ही आई बॉट अ होम थिएटर प्रोजेक्टर फॉर माई फैमिली जो कि है एप्सन की तरफ से आने वाला EHTW650 फुल एच डी प्रोजेक्टर। तो आई वॉज वॉचिंग अ मूवी विद माई फैमिली और अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि यार क्यों ना इस प्रोजेक्टर के ऊपर एक बार गेमिंग भी ट्राई किया जाए। और इसी के चलते मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट करी जहाँ पर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया कि क्या मुझे इस पर गेमिंग ट्राई करके देखना चाहिए। और बाय द वे अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को तो आप टेक ड्रीम्स इंडिया सर्च कीजिए और जाकर आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे अपडेट्स हैं जो मैं वहाँ पर पहले पोस्ट करता हूँ, तो मेक श्योर कि आप अपडेटेड रहें। तो इसके रिप्लाई में गए आप सभी भाइयों ने कहा कि यार एक बार ट्राई करना तो बनता ही है, अगर प्रोजेक्टर आया ही है तो ट्राई करना तो बनता ही है बिल्कुल इस पे गेमिंग भी। तो मैंने सोचा फिर करते ही हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड अभी तरन तेज सिंह को इनवाइट किया है जो कि अभी थोड़ी देर में आने वाला है। तो उसके आने के बाद हम लोग करेंगे पूरा एक स्क्रीन सेटअप जिस पर हम लोग गेमिंग करने वाले हैं, खास करके हम लोग पबजी खेलेंगे उस पर। और अभी ये वीडियो शूट करते करते मैं कर रहा हूं तरन तेज के आने का वेट। तो जब तक हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्टर के कुछ मेजर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लें इस प्रोजेक्टर के बिल्ड क्वालिटी की। तो यहां पर काफी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक की बॉडी बनाई गई है एंड काफी ड्यूरेबल और प्रॉमिसिंग लगती है इसकी ये प्लास्टिक बॉडी। ये प्रोजेक्टर एक फुल HD 1080p प्रोजेक्शन ऑफर करता है और साथ ही में RGB लिक्विड क्रिस्टल शटर प्रोजेक्शन सिस्टम के साथ यहां पर ये प्रोजेक्टर आता है। यहां वाइट एंड कलर ब्राइटनेस दोनों ही आपको 3100 ल्यूमेंस की दी जाती हैं जो कि इंश्योर करेगा कि आपका जो वीडियो क्वालिटी है, जो प्रोजेक्शन की क्वालिटी है, उसमें कॉन्ट्रास्ट और जो कलर्स हैं वो विविड रहें और जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस प्रोजेक्टर के साथ वो बहुत ही अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग रहे। 15:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहां पर आपको दिया जाता है। प्रोजेक्टर के ऊपर ही आपको काफी सारे कंट्रोल बटन यहां पर दिए जाते हैं एंड साथ ही में आपको एक रिमोट कंट्रोल भी दिया जाता है जिससे आप इस प्रोजेक्टर को कहीं से भी बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको रिमोट कंट्रोल को अपने प्रोजेक्टर के बिल्कुल सामने पॉइंट ही करना पड़े, आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं इस प्रोजेक्टर को। बात करें इस प्रोजेक्टर में आने वाले अवेलेबल कनेक्टर्स की, तो यहां पर आपको मिल जाता है एक USB टाइप ए का पोर्ट और साथ ही में एक USB टाइप बी का पोर्ट। इसके अलावा यहां पर आपको दो HDMI पोर्ट्स और एक VGA पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको इनबिल्ट वाईफाई भी यहां पर दिया जाता है। इसमें आपको दो इनबिल्ट स्पीकर्स भी दिए जा रहे हैं 2 वॉट के, जो कि डेफिनेटली सिर्फ काम चलाने लायक ही हैं। अब यहां पर अगर आप एक प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली एप्सन नहीं चाहता कि आप उसके इनबिल्ट स्पीकर ही यूज करें। आप प्रोजेक्टर के साथ अपना होम थिएटर सिस्टम या आपके पास कोई अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स हैं उनको यूज कीजिए। तो स्टिल अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो यहां पर 2 वॉट के जो इनबिल्ट स्पीकर्स हैं ये भी दिए गए हैं जो कि ठीक ठाक काम कर देते हैं। इस प्रोजेक्टर के लैंप लाइफ की बात करें तो यहां पर अराउंड 45,000 आवर्स नॉर्मल मोड पर और 7,000 आवर्स इको मोड पर का जो इसका लाइफ स्पैन है लैंप का वो आपको दिया जाता है। विच मीन्स कि अगर आप डेली भी 1-3 घंटे की मूवी देखें इस पर, जो कि ऑब्वियसली आप नहीं करने वाले, तब भी जो इसका लैंप है वो 5 से 7 साल तक आपको इजीली चल जाएगा और उसके बाद आप इस लैंप को रिप्लेस भी कर सकते हैं। 4800 रुपीज में आपको इस लैंप का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा जिसके बाद फिर से आप इसके लाइफ स्पैन को उतना ही बढ़ा सकते हैं। साथ ही में इस प्रोजेक्टर के नीचे गाइस आपको यहां पर स्टैंड्स भी मिलते हैं जिसके थ्रू आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल परफेक्टली आप फिट कर पाए। डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस आप वॉल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं या आप किसी पर्दे पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट को। बाकी इस प्रोजेक्टर को बाय करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहां से जाकर आप बाय करेंगे तो उससे चैनल को आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। अब ये तो बात रही गाइस सभी स्पेसिफिकेशंस की इस प्रोजेक्टर के, आप जल्दी से आइए चलते हैं करते हैं सेटअप तरन तेज के साथ में और उसके बाद पबजी खेल के बाद ट्राई करते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि मैं मूवीज तो देख चुका हूं एंड टू बी रियली ऑनेस्ट जो मूवीज का एक्सपीरियंस है, आप कलर्स की बात करें बहुत विविड है, आप बात करें क्लैरिटी की तो बिल्कुल भी पिक्सलेट नहीं होता 1080p रेजोल्यूशन के ऊपर भी। और मोर ओवर बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस की, जितने भी कलर्स होते हैं उनका प्रोजेक्शन बिल्कुल परफेक्ट होता है, जितने भी ब्लैक सीन्स आते हैं या डल सीन्स आते हैं वो भी बहुत ही क्लियरली और प्रॉपरली विजिबल रहते हैं मूवीज में। तो अगर तो आप इस प्रोजेक्टर को अपने होम थिएटर के लिए बाय कर रहे हैं तो बिल्कुल वेट मत कीजिए, जाइए और जाकर बाय कीजिए, आपको इससे अच्छा प्रोजेक्टर इस बजट पर नहीं मिलने वाला। लेकिन क्योंकि इस चैनल पर हम लोगों को आदत है हर चीज में उंगली करने की, तो चलते हैं एक बार जरा गेमिंग करके भी देखते हैं। आइए चलते हैं जल्दी से करते हैं सेटअप और उसके बाद चलाकर देखते हैं इस पर पबजी। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मेरी छत के बैक साइड पर, ये रहा हमारा प्रोजेक्टर और हम क्या करने वाले तरन, ये रहा स्टैंड, इसको यहाँ पीछे लगाना है। अभी स्टैंड को हम लोग लगाएंगे पीछे और फिर यहाँ पर क्या सेट करेंगे, स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन सेट करेंगे यानी कि पर्दा लगाएंगे पीछे। Oh, girl.
fast, good things go slow. I'm no saint. I fall, you pick me up again. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. तो वैसे अभी लग चुका है पर्दा हमारा, ये रहा पीछे, ये एक नॉर्मल सा ग्रे कलर का आप कह सकते हैं म्यूजलिन क्लोथ है, तो ये हमने लगा दिया स्टैंड्स के ऊपर, ग्रीन स्क्रीन का जो स्टैंड आता है उसके ऊपर। अभी मैं अंदर से जाके अपना सिस्टम लेके आता हूँ, फिर हम लोग लगाते हैं और फिर एक बार ट्राई करते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा इस गेम के लिए। यस ओके, सो गाइस अभी तक जो हम लोगों ने प्लान किया था वो ये था कि हम लोग देखने वाले हैं इसको इस स्क्रीन के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम लोगों ने प्रोजेक्टर को ऑन किया तो कुछ ऐसा देखने को मिला। तो आई बिलीव कि ये बहुत ज़्यादा छोटा है इसके लिए। ज़रा ऊपर ऊपर तो देखो, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, पीछे पीछे कौन है, पीछे देखो, वो कौन है, वो पीछे तो देखो कौन है, ये तुम करा ठीक से, तो ये जल्दी से लाने दे, वो करा ठीक से। I'm no saint. तो अभी सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर चल रही है पबजी, दिस इज़ नॉट पबजी मोबाइल, दिस इज पबजी। ओके, ये हैं तरन तेज जिनको आप जानते ही हैं। तो तरन तेज, हाउ इज द एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है? मतलब एक्सपीरियंस है काफ़ी बड़ी है, मतलब ऑलमोस्ट 200 प्लस इंचेस की स्क्रीन, और शायद अभी आपको फ्रेम में देख के पता लगना रहा हो कि ये कितनी बड़ी है, लेकिन मैं भी वहाँ पर चढ़ के सामने दीवार पे मैं आपको क्लियर करूँगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिर ये स्क्रीन कितनी बड़ी है। मैं क्या फिर हूँ वर्ल्ड कप इस दे उत्ते ही देखना है, ओके फिर ये ऑलमोस्ट 6.5 फुट का बंदा है और अभिषेक की हाइट मेरे ख्याल से 5-11 होगी, तो आप देख ही सकते हैं ऑलमोस्ट 6.5 फुट का बंदा पबजी का प्लेयर, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गेम। अब We ain't perfect, no. It's a work in progress. Good things go slow. I'm no saint. I fall and you pick me up again. Got your habits. तो गाइज ओवरऑल इट वॉज अ रियली फन डे, बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को इस प्रोजेक्टर के ऊपर गेमिंग करके। और जैसे कि आपने देख ही लिया, हम लोगों ने प्लान यही किया था कि हम एक पर्दा लगाकर जो है इसको उस पर प्रोजेक्ट करेंगे और वहाँ पर खेलेंगे, बट मेरे घर के जो पीछे वाली दीवार है, हालांकि वो काफ़ी गंदी है, मतलब थोड़ा उसका पेंट जो है वो वॉश्ड आउट हो रखा है साथ वालों के घर की दीवार का, बट स्टिल वहाँ पर जब हम लोगों ने देखा कि यार इतना बड़ा इसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है, तो मेरा मन किया कि इस छोटे से को छोड़ के यार क्यों ना ऊपर ही किया जाए, मतलब समझते हो ना, दिल ललचा गया क्योंकि और ज़्यादा चाहिए ना इंसान को। तो वहाँ पर प्रोजेक्शन और बड़ा दिखा इसका प्रोजेक्टर का, तो हमने कहा यार इस पे चलाते हैं, उसको छोड़ो तुम। एक्सपीरियंस मेरा इस प्रोजेक्टर के साथ ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन रहा। और अगर आप चाहते हैं अपने घर पे एक होम थिएटर सेटअप करना और आप उसके लिए एक प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हैं, या फिर अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हैं, तो यार आई वुड डेफिनेटली से कि गो फॉर इट बिना सोचे, बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है इस प्राइस के ऊपर, और आपको बिल्कुल भी किसी तरह से ये प्रोडक्ट जो है वो निराश नहीं करने वाला। तो इतनी गाइस आज की वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाए उस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।